घंटों प्रैक्टिस करना और माउंटेन में रहना भी इतना आसान नहीं था। हर परिस्थिति को लड़ते हुए अपने तिरंगे को टॉप ऑफ द वर्ल्ड में पहुंचाना है। सभी के जीवन में अपना अपना एक एवरेस्ट होता है। आपको देखना है कि आपका एवरेस्ट कौन सा है। मेरी उम्र 60 की होने के आई है, अभी भी मैं फिट हूँ, अभी भी इतना जज्बा, अभी भी 25 किलोमीटर दौड़ती हूँ। ऑक्सीजन मास्क में कुछ प्रॉब्लम होने लगे तो मैं उसको ठीक करने के लिए मैंने अपने मीटर मतलब ग्लव रहता है उसको नीचे निकाल के रख दिया था और तेज आंधी में वो उड़ गया। मन में विचार ये नहीं आया कि मैं वापस लौट जाऊं, बस यही विचार आया मुझे जाना है ऊपर एवरेस्ट की चोटी पर या भगवान के ऊपर। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी को फतह करना एक रोमांचक उपलब्धि है। यहाँ तक पहुँचना जितना जोखिम भरा है उतना ही उत्साहजनक है खतरों का सामना करते हुए इस पर जीत हासिल करना। रविवार को एवरेस्ट समिट के मौके पर माउंट एवरेस्ट फतह करने वाले 13 पर्वतारोही रांची में एकत्रित हुए। एवरेस्ट समिट का आयोजन मई 1993 में एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नॉर्गे द्वारा दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर पहली विजय के 70 साल पूरे होने का जश्न मनाने के लिए किया गया था। तो आइए जानते हैं एवरेस्ट फतह करने वाले पर्वतारोहियों की अनकही कहानी। दुनिया की टॉप 7 चोटियों को फतह करने वाली अपने झारखंड की प्रेमलता को कौन नहीं जानता। प्रेमलता ऐसी महिला जिन्होंने अपने सपनों के आगे उम्र को आड़े नहीं आने दिया और 48 वर्ष की उम्र में दुनिया की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट को फतह किया। अभी उनकी उम्र 60 वर्ष है और जज्बा अब भी वही है। नमस्कार, इस वक्त IDTV के साथ जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है प्रेमलता जी, जिन्होंने एवरेस्ट की चढ़ाई चढ़ी, किन परिस्थितियों में चढ़ी, क्या कुछ इंप्रेशन स्टोरी है इनकी जानेंगे। स्वागत है मैम आपका हमारे IDTV। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैम, किन परिस्थितियों में और कैसे चढ़ी, एक शॉर्ट हम लोग को बताइए। देखिए, एवरेस्ट क्लाइम इतना इजी नहीं है, ये 20 साल की मेहनत है। मैं एक हाउसवाइफ थी, 2 बेटियां थी, जॉइंट फैमिली था, तो इतना मौका नहीं मिलता था फिटनेस के लिए भी, बहुत सारी चीज़ों के लिए भी, क्योंकि 20 साल पहले ये स्पोर्ट्स लोगों के लिए नया था, इतनी अवेयरनेस नहीं थी। एक हाउसवाइफ के लिए बाहर जाके घंटों प्रैक्टिस करना और माउंटेन में रहना भी इतना आसान नहीं था, तो समय निकालती थी टुकड़ों में, जब भी समय मिलता घर में अपना घर का काम करते हुए भी फिटनेस की तैयारी करती थी। और इसके पीछे एक कहानी है कि मैं जमशेदपुर से हूँ, आप लोग को पता होगा वहाँ दलमा हिल है, वहाँ सबसे पहले वहाँ मैं ट्रैकिंग में गई थी, तो वहीं मुझे बचेंद्री पाजी से मुलाकात हुई थी, उन्होंने मुझे इस फील्ड में आने के लिए प्रेरित किया और टाटा स्टील ने मेरे सारे इवेंट के लिए करोड़ों रुपए स्पॉन्सर किए, फैमिली ने सपोर्ट किया, इसके लिए मैंने बेसिक माउंटेनियरिंग कोर्स किया, एडवांस कोर्स किया, बहुत सारे पीक क्लाइम किए, उसके बाद एवरेस्ट का मौका मिला। एंड मैं तो ये बताना चाहती हूँ, सभी के जीवन में अपना अपना एक एवरेस्ट होता है। आपको देखना है कि आपका एवरेस्ट कौन सा है, वो फील्ड आप सेलेक्ट करिए जिससे आपको लगाव हो, आपको प्यार हो, और अगर आपको वो फील्ड से प्यार होगा, लगाव होगा, तो आप दिन रात उसके पीछे मेहनत कर लेंगे और उसमें ज़रूर आप सफल होंगे। मैम, ट्रेनिंग लेने गए थे, किस तरह का प्रशिक्षण दिया गया और किस तरह का इंप्रेशन वहाँ पे? ट्रेनिंग के दौरान हमें सारे मतलब एक बैग में 24-25 किलो सामान रहता है, सारे कपड़े रहते हैं, रोप रहता है, इक्विपमेंट रहता है, हेलमेट रहता है, तो वो सामान भी हम लोग ऐसे बैग में डालते, अड़ता नहीं था, तो लिटरली उसके अंदर घुस के पैर से दबा के उसमें डालना पड़ता था और अप हिल में घंटों चलना पड़ता था, कैसे रिवर क्रॉसिंग करना है, कैसे क्रेवासेस को क्रॉसिंग करना है लैडर में लगा के, कैसे क्लाइंबिंग करना है, वो सारी ट्रेनिंग दी जाती थी।
जिस दिन कैसे हम लोग विपरीत पर, क्योंकि माउंटेन तो माउंटेन जाना मतलब नेचर से लड़ना है, नेचर से हम लड़ नहीं सकते, लेकिन विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। कभी कभी आंधी तूफान आती है, 100 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से आंधी चलती है, -30-40 degrees तक टेम्परेचर चला जाता है, उसमें सर्वाइव करना। और मेरी जैसी महिला एक मिडल एज 48 years में गई थी, तो जिस समय हम महिलाएं सोचती है कि अब हम शारीरिक रूप से बिल्कुल कमज़ोर हो गई है, उस एज में मैंने माउंट एवरेस्ट क्लाइम किया था। तो ऐसा नहीं है, हम लगातार फिटनेस पर ध्यान दें तो किसी भी, अब मेरी उम्र 60 की होने के आई है, अभी भी मैं फिट हूँ, अभी भी इतना जज्बा, अभी भी 25 किलोमीटर दौड़ती हूँ, अभी भी इतना जज्बा रखती हूँ कि कुछ भी फिटनेस का मैं कर सकती हूँ। तो फिटनेस पे ज़रूर ध्यान दीजिए आप लोग, और खुश रहे, हेल्दी रहे। मैम उस दिन के बारे में जानना चाहेंगे जिस दिन आपने माउंटेन चढ़ा था, उस दिन कैसा लग रहा था और किन परिस्थितियों में आपने माउंटेन? जब मैं माउंट एवरेस्ट के लिए जिस दिन हमें जाना था, माउंट एवरेस्ट में जाने के लिए 45 days बेस कैंप में रह के आपको बॉडी को एक्लमेटाइज करना पड़ता है। बेस कैंप करीब 18,000 feet में रह, वहाँ से 4 camps लगते हैं। आप कैंप में एक्लेमेटाइज करने का मतलब ये नहीं कि आपको वहाँ रहना है, आपको कैंप वन जाना है, वापस आना है, फिर कैंप वन जाएंगे, फिर नाइट स्टे करेंगे, फिर वापस आएंगे, वैसे रोटेशन कैंप 3 के 23,000-24,000 feet तक आपको वैसे रोटेशन करना है, अलग अलग बेस कैंप में जाना है, पहाड़ में जाना है। तो इस तरह बॉडी को एक्लेमेटाइज करते हैं हम लोग। उसी दौरान मुझे डिहाइड्रेशन हो गया था, पानी भी नहीं पच रहा था, मेरे सभी साथी कैंप 3 में चले गए थे और मैं अकेली नीचे थी, लेकिन मन में था एक जुनून था, जाना है कैसे भी जाना है, क्योंकि उस समय हम लोग के पास एक तिरंगा रहता है, तो एक जुनून रहता है कैसे हमें हर परिस्थिति को लड़ते हुए अपने तिरंगे को टॉप ऑफ द वर्ल्ड में पहुँचाना है, क्योंकि अलग अलग कंट्री से लोग आते हैं, सबका अपना फ्लैग रहता है, तो हम इंडियन को भी लगता है कि अपने फ्लैग को पहुंचाना है, तो वो एक जुनून रहता है। तो थोड़ा भी तबीयत ठीक था तो मुझे फिर मौका मिला, थोड़ा सा तबीयत ठीक हुआ तो फिर मैं गई, तो वहाँ भी कठिनाइयों ने मेरा पीछा नहीं छोड़ा था, मेरे मास्क में कुछ ऑक्सीजन मास्क में कुछ प्रॉब्लम होने लगे, तो मैं उसको ठीक करने के लिए मैंने अपने मीटन मतलब ग्लव रहता है उसको नीचे निकाल के रख दिया था, और तेज आंधी में वो उड़ गया। तो मन में विचार ये नहीं आया कि मैं वापस लौट जाऊं, बस यही विचार आया मुझे जाना है ऊपर एवरेस्ट की चोटी पर या भगवान के ऊपर। जब हम कुछ करने का दिल से चाहत रखते हैं तो कहते हैं ना, सारी कामयाब आपके पीछे लग जाती है। शायद मेरे साथ भी भगवान का करिश्मा था, नीचे एक ग्लव मिला, मैंने उसी को उठाया और पहना, और उसी से मैं एवरेस्ट की चोटी तक पहुंच पाई। बहुत लोगों को विश्वास भी नहीं हो रहा था, तो भगवान का करिश्मा देखिए, मेरे फोटोग्राफ्स में एक में वाइट कलर का ग्लव है, एक में ब्लैक, वो भी भगवान ने प्रूव कर दिया था कि अगर लोग विश्वास ना करें तो ये भी एक प्रूफ है कि सही घटना थी। और वहाँ जाकर तो अपने देश के तिरंगे को लहराया, अपने माता पिता को, अपने घर वालों को, सबको याद किया, अपने गुरु का नमन किया, और टाटा स्टील का भी फ्लैग लगाया था, उन्होंने स्पॉन्सर किया था, अपने बच्चों को याद किया, और खुशी के मारे रो पड़ी, लगा स्वर्ग है, कितना सुंदर दृश्य था, वो शब्दों में बयान नहीं कर सकती। बहुत बहुत धन्यवाद।